بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين दुनिया के लोगों मेरा नबी आया ते रहमत बन के आ गया, मेरा पैगंबर दुनिया से आया ते रहमत बन के आ गया, ते किन्नी को वड्डी रहमत, जमीन वाले वास्ते भी रहमत, आसमान वाले वास्ते भी रहमत। अल्लाह फरमांदे ने मैं अपने पैगंबर नू सारे जहान वाले रहमत बना दिता है। कहीं पहले पैगंबर तो बड़े बड़े आ गए ने ना, आदम पैगंबर आए, उन्हां दी औलाद उन्हां दे बेटियां चों अल्लाह ने ईसा अलैहि सलाम नूं पैगंबर बनाया, और उन्हां तो बाद अदरीस पैगंबर बने, और फिर नूह अलैहि सलाम नूं अल्लाह पाक ने इस कायनात दा पहला रसूल बना दिता। क्यों जी? पैगंबर बड़े बड़े आ गए, नबी बड़े बड़े आ गए, कोई तहसीलदार बन के आ गया, कोई जिलेदार बन के आ गया, कोई पिंड वाले नबी है, कोई शहर वाले नबी है, पर मेरे नबी दियां वारियां आईया। अल्लाह पाक दा कुरान बोल पिया ना, अल्लाह फरमांदे ने वमा अरसलका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। दुनिया के लोगों मेरा नबी आ गया है, ये सारे जहान वाले नबी बन के आ गया, जमीन वाले भी नबी, आसमान वाले भी नबी, ते तर्जमा करने वाला करता है। भाई कई कौमी कई मुल्की प्यारे नबी, भाई कई कौमी कई मुल्की प्यारे नबी, छोटे छोटे हल्कियां वाले सारे नबी, मशरक तो लैके मगरब तक अदा पहुंचिया उस दी जागीर दियां। ओए आ साडे कोल आके सुन सजना, जे गल्लां सुननी मदनी पीर दियां, ओए जिंदे नां दियां कसमां खुदा खावे, जिंदियां उंगलां चन नूं चीर दियां। ते अल्लाह दी कसमे मेरे नबी दी अजमत आना तेनू दसा, उस पैगंबर दा शान किए, उस पैगंबर दा मुकाम किए, अजे दुनिया बनी कोई नहीं, जहान बनया कोई नहीं, जमीन ते आसमान बने कोई नहीं, आलम रवा दियां बातां ने, असर वाले दिन दियां बातां ने। अल्लाह को अकबर, अल्लाह अल्लाह पाक ने असर वाले दिन दो कॉन्फ्रेंसां करवा लईयां, अल्लाह पाक ने दो जलसे करवा लीते ना। पहली कॉन्फ्रेंस अल्लाह पाक ने तौहीद सेमिनार करवाया, अल्लाह फरमांदे ने अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुहाडा रब हाँ के नहीं आम। ओए मेरे को भी पूछया गया, ओए वीरा तेरे को भी पूछया गया, अल्लाह फरमांदे ने मैं तुहानू बनाण वाला हाँ के नहीं आम, तुहानू रोजियां पहचान वाला हाँ के नहीं आम, ओए बिगड़ियां बना वाला हां के नहीं आम। ये सारा जहान बोल के कहंदा कालू बलाम, अल्लाह सुनिया रोटी भी तू ही देवेगा, अल्लाह औलाद भी तू ही देवेगा, अल्लाह कपड़े भी तू ही देवेगा, अल्लाह असहशा भी तू ही देवेगा, अल्लाह सुनिया तू ही मुश्किल कुछ है, तू ही हाजत रवैम। ते दूसरी कॉन्फ्रेंस अल्लाह पाक ने मेरे मुहम्मद दी शान दे अंदर करवा दीती। पहली कॉन्फ्रेंस अल्लाह ने तौहीद दे सेमिनार, ते दूसरी कॉन्फ्रेंस अल्लाह पाक ने शाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस करवा दीती।
ते इस कानफ्रेंस दे मेहमान भी बड़े खास ने, इस कानफ्रेंस दे अंदर आन वाले भी बड़े खास ने। इन्हां दे अंदर अल्लाह पाक ने अपने सच्चे पैगंबरां नूं सद लिता ना। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे नबी आदम तू ही आ जा, ऐ मेरे नबी अदरीस तू ही आ जा, ऐ मेरे नबी नूह तू ही आ जा, इब्राहिम तू ही आ जा, मूसा तू ही आ जा। अल्लाह जिंदी शान बयान हो रही हो रहमतुलिल आलमीन जोड़ जोड़ गया अगे नहीं जड़ा खिताब करदा पियो रब्बुल आलमीन ते जिंदी अजमत बयान होन लगी हो रहमतुल आलमीन। अल्लाह फरमांदे ने वा इज आगाज़ अल्लाहु मीसाकन नबी, असी नबियां को वादा लिता ना, पैगंबरां को वादा लिता ना। अल्लाह पाक ने 2,25,000 पैगंबर कट्ठे कर लीते। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे अंबिया दी जमात, अल्लाह सोने की बात है। अल्लाह फरमांदे ने मैं तुहानू नबूतां भी दे देवाना, तुहानू किताबां भी दे देवाना, तुहाडे जनाब नबूतां दे सिक्के भी जारी होना, लोकी तुहाडा कलमा भी पढ़ते पै होवन, तुसी दुनिया ते होवो लोकी तुहानू मनदे भी पै होवन, तुहाडे पिछे भी चलते पै होवन। फिर मेरा एक लाडला पैगंबर मुहम्मद, कोई लाडले सन के नहीं, तो आकर अल्लाह मेरे पैगंबर नाल सच्चा प्यार नसीब फरमाए, अल्लाह नबी पाक नाल सच्ची मुहब्बत नसीब फरमाए। आ गौर करया जे गौर, अल्लाह पाक पैगंबरां को वादे लै रहे ने ते सच्चे पैगंबरां को वादे लै रहे ने। अक सीटी दा पुत्र मिर्जा नहीं है गाना, इंदे को वादा नहीं लिता। अल्लाह पाक ने सच्चे पैगंबरां को वादा ले लिता। अल्लाह फरमांदे ने लातो मैनू नबी वाला तन सुरुना, और तुहाडे हुंदिया मेरा नबी आ जाए, तुहाडे हुंदिया मेरा सोना आ जाए, तुहाडे हुंदिया मेरा प्यार आ जाए। अल्लाह सी की करना है तो साम फिर नबुवत ना अपनी चलाना, तो साम फिर नबुवत ना अपनी चलाना, तो संसार आखी पासे को जाना, और लागे नबुवत दा ताज शहाना, मुहम्मद प्यारे दे ताबे को जाना। अल्लाह कहने तुहाडे हुंदिया मेरा नबी आ जाए, फिर इंज करिया जे लोकी तुहाडा कलमा पढ़न, तुसी मेरे मुहम्मद दा कलमा पढ़ लेना है। ਓਏ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਸਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਕਤਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਗਰਾ तुम आकरार तुम, क्या तुहानू मंजूर है कि नहीं मंजूर। अल्लाह फरमांदे ने हुणे बात करो, हुणे बात करो, माता दुनिया ते जाके फेर ना जाया जे। आदम हुणे गल कर लै, माता दुनिया ते जाके कवे मैं सब तो वड्डा वां, हक मेरा बहुता बंद है। ओए वड्डियां दे दिलां चों गल आई जाया करदी है, असी वड्डे आं ते हक साडा बंद है। अल्लाह फरमांदे ने उन्हें बात करो, उन्हें बात करो, ओए माताओं सवेले इसरार कर लो, ओए माताओं सवेले इसरार कर लो, हुन तू ही मेरे नाल इकरार कर लो, ओए जब तक न मैनू ए वादा दोगे तब तक न मैथों नबूवत लवोगे। अल्लाह फरमांदे ने जब तक ना
तुसी मेरे नबी नु खातम नबीयीन नहीं मानते, मैं तुहानू नबी बनावना। नबियां दी नबूवत वास्ते शर्ते सी कि मेरे मुहम्मद नु सारे जहान दा सरदार मान लैन। क्यों जी? मेरे नबी नु जड़ा नहीं मानता, ओ जनाब अल्लाह पाक फरमाते ने मैं नबूत देनियां नहीं देनियां, फिर क्यों ना कहता जावां ओए इस कहते शान मुहम्मद। सारे पढ़ दो सल्लल्लाहु, क्यों जी ठरे बैठे जे? देखो ना मैं तो बड़ी दूरों चल के आया बैठा, तुसी इत्थों ही आए बैठे जे, चुप करके बैठे जे। नबी पाक दा ना नाम सुन के की पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बारी दुरूद तू पढ़ दे, अल्लाह 10 गुना माफ करके 10 नेकियां दे के 10 दर्जे बुलंद फरमा देंगे। और मेरे नबी को बई बिन काब आ गए ना, आके कहते ने सोने किन्ना कु दुरूद पढ़ा, आप बार बार दसते पैने, एंड से जाके उबई कहते ने सोने मैं 24 घंटे तुहाडे ते दुरूद पढ़ांगा। मेरी सरकार फरमाते ने इज़न तुक्फा हम्मू का व युग फारूला का जम्बू का। ओए उबई, अगर तू दुरूद पढ़ेगा अल्लाह जिंदगी दे सारे गुनाह मुआफ कर देंगे ते जिंदगी दिया सारिया परेशानियां दूर कर देंगे। आज ये आवाज़ डबल हो रही ना, इन अगर सिंगल कर दो तो अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे, ताकि बंदे भी समझ आ जाए। क्योंकि समझ आ रही है ना, अल्लाह पाक बैठने दी तौफीक अता फरमाए। नबी पाक दा नाम सुन के की पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप और करे जी, बाबा जी कहते ने इस कहते शान मुहम्मद, और तू की जाने मुकाम मुहम्मद। आना तेन तेरे नबी दी शान दसा, आ तेन तेरे पैगंबर तेरे नबी दा मुकाम दसा ना। और वीरा उनकी शान भी सब तो आला, उनका मुकाम भी सब तो आला, उनकी जात भी सब तो आला, उनकी बात भी सब तो आला, उनका बयान भी सब तो आला, उनका मुकाम भी सब तो आला, उनका पसीना भी सब तो आला, उनका मदीना भी सब तो आला, उनका जमाना भी सब तो आला, उनका घराना भी सब तो आला। अल्लाह पाक ने तसलियां कर दितियां ने, चौथ अल्लाह पाक ने तसलियां कर दितियां ने, रीझा ला दितियां ने, 14 तबकों चो मेरे मुहम्मद वर्गा बनाया ही कोई नहीं, दुनिया से आया ही कोई नहीं। अल्लाह पाक ने ऐलान कर छोड़े ने, अल्लाह फरमाते ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आ दुनिया दे लोगों, मैं अपने नबी नू वैसे बरकत बना दिता है, अपने पैगंबर नू मुबारक बना दिता है, अपने नबी नू बरकतां वाला बना दिता है। अल्लाह दी कसमें जे नबी पाक दे वालां दी गल करां ते मेरे मुहम्मद दे वाल भी मुबारक। कौन जी? आ वाल किसे दे पानी चो निकलिया वे ते पानी पींदा? देख जनाब, आ वाल किसे दे सालन चो निकलिया ते सालन खादा जांदा नहीं। आओ तुहानू दसां, जेड़ा पैगंबर अल्लाह पाक ने सानू दिता है, अल्लाह पाक ने उहदे वालां नू वी बबरकत बढ़ा दिता है। जाओ सही अल बुखारी पढ़ के वेख लो, हजरत उम्मे सलमा बयान कर दियां ने, साढ़े को नबी पाक दी दाढ़ी दे चंद वाल मौजूद सन। कौन जी? नबी पाक दी दाढ़ी हैगी सी? पक्की गल ने कि एवें शक चो ही जे वेख्या जे सियाल गोटियो कितने शक चो ही ना रह जाए जे सरकार दी दाढ़ी हैगी सी ना। अल्लाह सानू भी रखन दी तौफीक अता फरमाए। देखो ना, जे कल क्यामत नू बंदा नबी पाक वाले जावे कि सोने सिफारिश कर दियो, क्योंकि नबी पाक ने सिफारिश करनी है ना, आप फरमाते ने उत्ती तू शफा, अल्लाह पाक ने मैनू मुहम्मद नू शफाते कुबरा अता फरमा दी। इसे जनाब सारे हैं एन करके अगर पिछा हो जाएंगे, सारे जवाब दे देंगे, उत्ते सिफारिश करेगा ते आमीना दा लाल मुहम्मद करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू नबी पाक कोल जावे ते मुँह आलू वांगू छिलिया होए ते जाके कमें सोने सिफारिश कर दियो, आप कहन ओए तू तो मेरी सुन्नत दे चार वाल नहीं रख सकया ते मैं तेरी सिफारिश क्यों करा। दुआ करो अल्लाह सुन्नत नाल प्यार नसीब फरमाए, अल्लाह नबी पाक नाल प्यार नसीब फरमाए,
ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਵਾਰੀ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾ, ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਸਦਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਣਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਲੇਣਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸੁਨਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਉਂਝ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਸਹੀ ਅਲ ਬੁਖਾਰੀ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਚੰਦ ਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਬਦ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬੁਖਾਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ। ਵੀਰਾ ਆਉਂਦੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਬਾਬਰਕਤ, ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਮੁਸਤਦ ਕੇ ਹਾਕਮ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਿਬਰਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਗਰਚਾ ਸਨਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਕੋ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੰਗੇ ਯਰਮੂਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਦ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਟੋਪੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਦ ਟੋਪੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦਾ। ਆਖਰ ਲੱਭ ਹੀ ਗਈ, ਆਖਰ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਦ ਦੀ ਟੋਪੀ ਲੱਭ ਗਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੋਪੀ ਲੱਭੀ ਨਾ ਇਹ ਟੋਪੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਦ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਦ ਟੋਪੀ ਪੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਟੋਪੀ ਏ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਏ, ਆ ਗੌਰ ਕਰੀਓ ਵੀਰਾ, ਓ ਲੱਭੀ ਜਾ ਟੋਪੀ ਲੋਕਾਂ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਾਈ, ਓ ਲੱਭੀ ਜਾ ਟੋਪੀ ਲੋਕਾਂ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਾਈ, ਆ ਮੈਲੀ ਜੀ ਟੋਪੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤਬਾ ਘਬਰਾਈ, ਖਾਲਦ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਟੋਪੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓ ਲੋਗੋ ਆਓ 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 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਪੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹਣੇ ਹਜਾਮਤ ਬਣਵਾਈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਾਣੂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਚੱਲੋ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਆਰਤਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਚੱਲੋ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੀ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹਨੀਫ ਨੀ, ਹਰ ਹਰ ਮੁਲਕੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਈਫ ਨੀ, ਗੋਰੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਿਥਾਰ ਦਾ, ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਜੇ ਠਾਰਦਾਂ, ਬਈ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਰਾ ਮਾਰੋ ਧਿਆਨ ਨੀ, ਉੱਚੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਰਾ ਮਾਰੋ ਧਿਆਨ ਨੀ, ਆ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਵੇਖੋ ਫਿਰਦੇ ਅਰਬੀ ਜਵਾਨ ਨੀ, ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਢਲਕਾਂ
ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਜੇ ਠਾਰਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਤਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਵਾਲ ਲੱਭ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹਣੇ ਹਜਾਮਤ ਬਨਵਾਈ ਬਰਕਤ ਦੀ ਕਾਤਰ ਵਾਲ ਲੈ ਗਏ ਲੁਕਾਈ ਮਵੀ ਚੰਦ ਵਾਲ ਸੀਤੇ ਟੋਪੀ ਵਿੱਚ ਕਾਈ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਮੰਗੀ। ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਗੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ 'ਚੋਂ ਸੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ, ਓਏ ਸਿਆਲ ਕੋਟੀਆ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹਦਾ ਲੁਹਾਬ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕੌਣ ਜੀ? ਆਹ ਥੁੱਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਰਾਹਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੂਕਣਾ ਮਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾ ਐਨ ਕਰਕੇ ਗਾਲਬਨ ਉਹਦ ਜਾਂ ਬਦਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਦ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਕਤਾਦਾ ਆ ਗਏ, ਸਹੀ ਅਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਨਾਮ, ਐਨ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਕਤਾਦਾ ਦੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਡੇਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਕਤਾਦਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਐਨ ਕਰਕੇ ਡੇਲਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਏ, ਆ ਡੇਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਦਾ ਸਬਰ ਕਰ ਸਬਰ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਚਿਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਤਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਏ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਏ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਤਾਦਾ ਫਿਰ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾ। ਕਤਾਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੂਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੇਲਾ ਫੜ ਕੇ ਐਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੁਆਬੇ ਦਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕਤਾਦਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਕਤਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਓਏ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ। ਆ ਗਜ਼ਵਾਏ ਖੈਬਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਖੈਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਆ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਆਬਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਬਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਤਨ ਲਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਨਾ। ਆਪ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਿਆਬਾ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਓਏ ਵੀਰਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਾ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਉੱਲਾਮ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੱਲੱਲਾ ਕੋ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਸਭ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ,
ਓਏ ਸਭ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਰਚਾ ਆਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੋ ਜ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਜ਼ਰ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਓਏ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਵਾਰ ਕੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਖੂਬ ਇਕਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਓਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੋਲ ਜੇ ਆ ਬੈਂਦਾ, ਓਏ ਮੁੱਖ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਂਦਾ। ਓਏ ਕਾਫਰ ਵੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਸੁਣਨ ਕਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਆਪ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਓਏ ਦਰੂਦ ਦੀ ਛਲ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਓਏ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਇਨਲਲਾਹਾ ਵਮਲਾਇਕਾਤਹੁ ਯੁਸੱਲੂਨ ਅਲੈ ਨਬੀ ਯਾ ਅਯੂਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ। ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾ ਅਯੂਹ الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਓਏ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਦਰੂਦ ਰਸੂਲ ਉੱਤੇ, ਓਏ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਦਰੂਦ ਰਸੂਲ ਉੱਤੇ। ਓਏ ਰੱਬ ਪੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਪੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਪੜਨ ਸਾਰੇ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਓਏ ਤਾਈਓ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਪੜਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਹੈਦਰ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ 1400 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਣਗਰੀਬ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦਾ ਫਾਤਿਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ। ਓਏ ਵੀਰਾ, ਵਕਤ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਕਤ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਤਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਲਕਲ ਅਯਾਮ ਨੂੰ ਦਾਵਿਲੂ ਹਾ ਬੈਨ ਨਾਸ, ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਲ ਤਗੜੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਗਰੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਅਮੀਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਆਸਾਨੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਓਏ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਓਏ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਏ, ਓਏ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਛਾਪ ਕਿਧਰੇ, ਓਏ ਕਿਧਰੇ ਸੋਨਾ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਏ, ਓਏ ਕਿਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਗਲ ਅੰਦਰ, ਓਏ ਕਿਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਹੰਡਾ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਏ, ਓਏ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾਵੇ, ਓਏ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਫਰਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਏ, ਓਏ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖੇ, ਓਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਬਿਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਓਏ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੇਖ ਜੁਮੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜੋ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫੇਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਇੰਜ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ। ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਕਦੀ ਮੱਕੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रत्ता रोक लीता ना अल्लाह को अकबर अल्लाह ते मक्के वाले तक इतलावां पहुंच गई ना नबी दे नाल 1400 बंदा आया बैठा जे अल्लाह को अकबर अल्लाह इन्हां नू फिकरां पै गई ना किते जंग ही ना हो जाए ना किते लड़ाई ना हो जाए ना सानू तैयारी करनी चाहिए सानू तैयारी करनी चाहिए एक कहंदे ने जसूसी वास्ते एक बंदा भेजोना सफीर बना के जसूसी वास्ते बंदा भेजोना ते वेखदियां वेखदियां मक्के वालियां दियां नजरां उरवा बिन मसूद सकफी ते पै गईयां ना ए उरवा बिन मसूद सकफी नूं कहंदे ने ओए तू बड़ा सियाणा बंदा है जां नबी पाक कोल चला जाना नबी पाक दे हालात नूं वेख के आना आप दे मामलात नूं वेख के आना सहाबा दा नबी नाल प्यार वेख के आना अगर जंग लगदी है सहाबा नबी दा किन्ना कु साथ देणगे ए मूसा अली सलाम दे साथियां वरगे तां नहीं अल्लाह को अकबर अल्लाह ए उरवा बिन मसूद सकफी आ गया ना इन्हें आके मेरे नबी दे सहाबा नूं वेख्या मेरे मुहम्मद नूं वेख्या ना ए मक्के वालियां नूं जाके कहंदा ओए मक्के वालियो सुन लो तुसी मुहम्मद दा मुकाबला नहीं कर सकदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबला कर सकदे नहीं कर सकदे ए कहंदे ने बात दस बात की है उरवा बिन मसूद सकफी कहंदा ओए कह उरवा सकफी कुरैश नु जाके ओए कह उरवा सकफी कुरैश नु जाके मैं शागां दरबारां नु डिटा जमाने जो आहो जी मैं साल मिलदी जे हो जाए मुहम्मद दे यारां नू डिठा कहंदा बड़िया बड़िया थावां दा पानी पीता है पर अज जे हो जा दरबार वेख्या अज तक डिठा कहंदा मैं वेख्या ही नहीं ये कहंदे ने बात कर बात की है बात दस क्यों ये बातां करना पे ये कहंदा जो मैं वेख्या है ना वो तुहानू दसना ते दसन लगा जे आज सियाबा दा नबी नाल प्यार दसन लगा जी पता है की कहंदा ओए गिरन वजू दे कतरे ते पज पज के पकड़न मोहब्बत नाल मल दे रुख सारां नू डिटा कहंदा मैं वेख्या वा नबी पाक वजू करदे ने इंज करके सहाबा वजू वाला पानी लैके जमीन ते नहीं डिगन देंदे नबी पाक दे वजू वाला पानी ए जमीन ते नहीं डिगन देंदे सहाबा पानी लैके अपने चेहरियां ते मल लेंदे ने ते जिन्हों पानी नहीं लभदा ना ओ वीरा गौर करी ओ जिन्हों पानी नहीं लभदा ना जिन्हों पानी लभिया हुंदा ओंदे हाथ नाल हाथ ला ला के अपने चेहरे ते मलदा पिया ते कहंदा की ए ओ गिरे इक छटवी थुक दी ना जमीन दे ऊपर ओ जा कदी वी नजारा नी डिठा कहंदा नबी पाक अपना थुक मुबारक सट्टन लगदे ने सियागाबे सहाबा अगे अपना जिस्म कर देंदे ने अपने जिस्मां ते मन लेंदे ने ते कहंदा ओ जड़े नबी दा लवाब नहीं डिगन देंदे ओ नबी नूं तलवारां किवें वज्जन देणगे जिहड़ा नबी दा लवाब नहीं डिगन देंदे तलवारां वज्जन दे सकदे जिहड़ा वजू वाला पानी नहीं डिगन देंदे तलवारां वज्जन दे सकदे नहीं मालूम हुंदा सहाबा नूं नबी पाक नाल प्यार ते नबी पाक नूं सहाबा नाल प्यार इधर वेखना खैबर दा किला है पता नहीं हो रहा ना नबी पाक ने सहाबा नूं बुला लिता ना ओए वापस आ जाओ ना सहाबा वापस आ गए आप फरमांदे ने सहाबा मैं सवेरे उस बंदे दे हाथ चंडा देवांगा जिंदे हाथ ते अल्लाह किला खैबर फतह फरमा देंगे आप फरमांदे ने सुबह ना खैबर फतह हो जाएगा ते झंडा उस बंदे नूं देवांगा जिंदे हाथ ते किला खैबर फतह होएगा ते ओंदी ना एक शान सुन लो अल्लाह ते ओंदे रसूल नूं उस बंदे नाल प्यार है उस बंदे नूं अल्लाह ते ओंदे रसूल नाल प्यार है क्यों जी किड्डा वड्डा आजाद मिलदा पिया थोटा आजाद है अल्लाह अकबर अल्लाह हुण सहाबा नूं नबी पाक ने ना ना दस्या ओ बंदा केड़ा हज़रत उमरे फारूक फरमांदे ने
कदी दिल चो तमा ही नहीं आया सी मैनू कोई ओहदा मिले। उस रात सारी रात मैं भी दुआवां करदा रहा, अल्लाह सोने बंदा होवे ते मैं आवां, ते दिल चढ़ पिया अल्लाह दे बाप पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्थे नमाज़ नूं छड़िया के छड़िया। दुआ करो अल्लाह सानूं भी पढ़न की तौफीक अता फरमाए। हुण जनाब ने सियाबा सौ गए ते सुबह सुबह दा टाइम है, हजरत बिलाल ने कन्ना झोंकरियां दित्तियां हुईयां ने। बिलाल पढ़ते पने अल्लाहु अकबर, बिलाल ने अजान कही ना, नबी पाक दे दीवाने कट्ठे हो गए। सुबह दी नमाज दा टाइम है, ओए वीरा सुबह भी पढ़िया कर, सारियां नमाजा ही पढ़िया करना। जेड़ा बंदा सुबह दी नमाज पढ़ लैंदा है अल्लाह पाक फरमांदे ने हुण तू मेरे जिम्मे चो आ गया, मैं रब तेरियां आप ही फाजतां अल्लाह पढ़न की तौफीक अता फरमाए। कोई पढ़नी चाहिए कि नहीं? सवेरे पढ़ोगे इंशाअल्लाह, फिर आवे सारी रात जलसा चले तो सवेर में तुम आगो कारी हुज़ैफ़ा साहब तोड़ने, कारी हुज़ैफ़ा साहब का जलसा सुनिया नमाज ही तो छुट्टी है ना, पढ़नी है ना इंशाअल्लाह, सवेर की भी पढ़नी है। अल्लाह पंजे ही पढ़न की तौफीक अता फरमाए। ओए पढ़िया करो, ये तुम मसीत को आबाद करोगे अल्लाह तुहाडे घरां नू आबाद फरमा देगा। तुसी रब दा घर ही बात करो, मन काना लिल्ला कान अल्लाह खुलाकु, ये असूल है, जेड़ा अल्लाह दा हो जांदा अल्लाह फिर उंदा हो जांदा। तू रब दा बन तां सही, ये की फिर मुश्किलां जांदियां केड़ी साइड। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह पंज गाना पढ़न की तौफीक अता फरमाए। ऐदर गौर करो, मेरे नबी ने उत्ते भी नमाज पढ़ी ना, अल्लाह को अकबर अल्लाह, सफा बन गई ने, सफा बन गई ने। फिर एक सोने जा चेहरे वाला मुहम्मद, कहीं सोने सहन के नहीं, बड़े बड़े सोने आए पर मेरे नबी ते अल्लाह ने तसलियां कर दीतियां। लगता फुरसत चो बनाया मेरे मुस्तफा नू, ते कहो जा नक्शा खिचिया, ओए कद काट सोना ते बंतर बनावट, ओए कद काट सोना ते बंतर बनावट, हथम को गई सोने दे उत्ते सजावट, किसे माने अज तक अयो जे आ सोना नहीं जनिया, जिमें अपनी मर्जी मुताबक है बनिया, मुसव्वर ने बस इंतखा कर सुटी, किड्डी रीज नाल तस्वीर कटी, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के ते कलम तोड़ दिता। आप अलैहिस्सलाम आ गए, मेरे मुस्तफा ने न आपने नमाज पढ़ाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने नमाज पढ़ी ते सहाबा दा मजमा मेरे मुस्तफा दे सामने मौजूद है, ए जम्मे गफीर मेरे नबी दे सामने मौजूद है, ते मेरे पैगंबर ने एक साइड तो वेखना शुरू किया, आप अली सलाम ने ए मजमे नू वेखना शुरू किया ना, मेरे नबी ने सारे मजमे ती नजर मार लीती ना, पर अज जिहड़ा चेहरा मेरा नबी लभदा पिया वह चेहरा नजर नहीं आ रहा। अल्लाह को अकबर अल्लाह, आप परमात ने मेरा अली किते आ, ऐना अली उन ऐना अलीयुन, ओए वीरा आ तेनू अली दी वी शान दसदा जावां ना, एवें मत गुमानियां ना पाली, बदगुमानी चो ना रहना, असी अली नू नहीं मनदे ना, असी अली नू वी मनने आ, असी अल्लाह दी कसम आप दे नबी दे सारे सहाबा नू ही मनने आ। तू सिगरट दा सूटा ला के मेरे अली दा पाक ना लवे, तू भंग पी के मेरे अली दा पाक ना लवे, अब तेनू मैं दसा असी किवें अली दा ना लैने, असी वजू करके अली दा ना लैने, मसीते वड़ के अली दा ना लैने, मिंबर ते चढ़ के अली दा ना लैने। अल्लाह दी कसमें मेरा अली कौन है? एक कातबे वही अली है, एक कौन अली है? मेरे नबी दा दमाद अली है, एक कौन अली है? हाफ
कुरान लिए एक कौन लिए मेरे नबी ने ऐलान कर छड़े ने आप परमात्मा ने कुंतु मौलाकुम व अली मौला ऐ दुनिया दे लोगो सुन लो जिंदा मैं मौला हुंदा अली मौला अली जिंदा बेली है मैं मोहम्मद भी हुंदा बेलिया अली जिंदा सरदार है मैं मोहम्मद भी हुंदा सरदार हां ओए दूसरे लफ्जा चो कह देवा जेड़ा मैनू मनदा है ओनू अली नु भी मनना ही पैगा जेड़ा अली नु नहीं मानदा मुसलमान हो सकदा और जेड़ा अली नू नहीं मनदा मैं उनू मोमन ही नहीं मनदा क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिता अली तेरे नाल मुनाफिक प्यार नहीं कर सकदा मोमन तेरे नाल बुगद नहीं रख सकदा अल्लाह को अकबर अल्लाह और मेरा गीता सुन लै आ मेरा प्यार सुन लै हजरत अली मुर्तजा अली हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह को तआला को एंड करके मेरे नबी एक जंग से जा रहे ने हजरत अली नू मदीने दा वाली बना दिता नाम मुनाफका ने ताने मारे नाम मुनाफक कहते ने अली माद अल्लाह डर गए ने अगर तेरी परेशान होके मेरे नबी को पहुंच गए आप परमाते ने अली घबरावना नहीं घबरावना नहीं आप परमाते ने अली तेरी ते मेरी मसाल इंज जिमें मूसा ते हारून पैगंबर दिए जिमें मूसा नू हारून प्यारा लगता सी लोगो मैनू अली उवें प्यारा लगता है ते नाल नबी पाक ने ना एक बात समझा दी थी आप फरमाते ला नबी आबादी वाला रसूल आम कोई गलत फहमी जो ना रवे मूसा अली सलाम तो बाद उना दे भरा हारून नबी सन चाहे उना दी जिंदगी चो ही फौत हो गए पर लोगों सुन लो मैथों बाद ना कोई पैगंबर आ सकता है ना कोई नबी आ सकता है ना कोई रसूल आ सकता है क्यों जी नबी ते रसूल जो फर्क बताएगा जे सियाल कोची हो क्यों जी अज तक तो असं यही सुनते रहे ना नबी ते रसूल असी इको ही सारे समझे नबी भी वो है तो रसूल भी वो आओ तो थोड़ा जहा दसा कोई सुनोगे ना इंशाअल्लाह कोई समझ आ रही है ना रसूल जेड़ा होंदा है ना ये ओदा थोड़ा जहा उत्ते आ नबूवत वाला ओदा थले आ रसालत वाला ओदा थोड़ा जहा उत्ते आ जेड़ा रसूल होंदा है ना ये साहब शरीयत होंदा है शरीयत लैके आंदा अल्लाह को किताब लैके आंदा और पूरी शरीयत लैके आंदा पर जेड़ा नबी हुंदा है इनाम ए रसूल दी शरीयत नूं ही अगे लैके चलदा है जिवें मूसा अली सलाम अल्लाह दे रसूल सन यूशा बिन नून अली सलाम अल्लाह दे नबी सन इनाम मूसा अली सलाम दी शरीयत नूं अगे लैके चले एक असूल और याद कर लिया जे हर रसूल रसूल भी हुंदा है और एक वक्त जो नबी भी हुंदा है पर हर नबी रसूल नहीं हो सकता ये बात अल्लाह सानू समझ दी तौफीक अता फरमाए क्यों जी अजकल कोई उठ के मिर्दा कह मिर्दे का पैरोकार कह सकता है ना कि रसूल नहीं आ सकता नबी आ सकता है पर नबी पाक ने ना जुमला बोल के ला नबी आबादी वाला रसूल ना कोई नबी आवेगा ना कोई रसूल आएगा ओ खत्मे नबुवत दा सालार आयाम ओ खत्मे नबुवत दा सालार आयाम माशाल्लाह माशाल्लाह मरहबा मेरे शेख आ गए दुआ करो अल्लाह उम्र चो बरकत ना दे फरमाए अल्लाह कदम कदम से फाता फरमाए ते बाबा जी कहते ने ओ खत्मे नबुवत दा सालार आया नबुवत दे बुवे नू मार आया ओए नवां नबी हुण आ कोई नहीं सकदा मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा आ वी रात नू दसा ना अली दी शान बड़ी है मेरे अली दा मुकाम बड़ा है नबी पाक फरमांदे ने मैनू अली नजर नहीं आ रहे ना अली नू लैके आओ ना अल्लाह को अकबर अल्लाह सहाबा कहंदे ने सोणिया अली दियां अखां खराब होईयां पईयां ने ओए अकीदे दी भी बात करदा जा जिहड़ा मुश्किल कुशा होवे ओनू मुश्किलां नहीं पेश आंदियां जिहड़ा हाजत रवा होवे ओनू हाजतां नहीं पेश आंदियां ओए वीरा नाराज ना होवीं नाराज ना होवीं
मैं जाना वा तेरे अकीदे की भी सलाह हो जाए। आदर गौर करीम सियाबा कहते ने सुने हजरत अली दियां अखां खराब हो गई ने जा सही अल बुखारी पढ़ के वेख लै नबी पाक फरमांदे ने मेरे अली नू लै के आओ ना। हजरत अली आ गए बाबा साका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ऐनी आपने अली नू नेड़े बटा लिता ना अली नू करीब बिठा लिता। मेरे मुहम्मद ने अपना थुक मुबारक लैके अपना लुआब लैके अली दियां अखां चो पा दिता। मेरे रब ने शिफावां ता फरमा दितियां राते मनना ही पैना वरसला काम इला रहमत लिल आलमीन। फिर क्यों ना कहता जावा भाई ओंदी एक अकेलड़ी जान सीम ओंदा दुश्मन सारा जहान सीम भाई बस मिठी ते सुची जबान सीम तायों सारे जहान पर छा गया। अल्लाह मेरे पैगंबर ते करोड़ा रहमतां नाल फरमाए मेरे शाह मोहतरम आ चुके ने ते मैं नहीं पसंद करदा मैं अपने शहर में बिठाई रखा ते आप बोली जावा। अल्लाह उम्र दी बरकतां फरमाए अल्लाह हिफाजतां फरमाए अल्लाह कदम कदम चल के आना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। वा आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।